हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गार्डन्स। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर में पढ़ रहा हूँ। तो मैं आज बात करूँगा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ में। हम लोग जो है लेक्चर तीन में जो है थे, लेक्चर वन और लेक्चर टू जो है हमारा अपलोड हो चुका है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। उसके लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर तीन का ही देखेंगे, जो कुछ पार्ट जो है छूटा हुआ रह गया था। हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे तीसरा चैप्टर, ठीक है, हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, डेसिडियस क्या होता है, एवरग्रीन क्या होता है, कि उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, बहुत प्रकार का हम लोग क्या कर चुके थे, क्लासिफिकेशन देख चुके थे, ठीक है। और जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट क्या होता है, फ्रूट टाइप क्या होते हैं, सिंपल फ्रूट, बायलोस्टा, ये सब बताए थे, एस्पेरिडियम, उसके बाद क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, उसके बाद हाई टॉलरेंस, ये सब पे हम लोग बात किए थे। अब जो हमारा जो मेन चीज़ है, हम जो यहाँ पर देखेंगे वो हम देखेंगे कि बॉटनिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप विद जीनोम्स, मतलब कि उसका फैमिली क्या है, ओरिजिन क्या है, फ्रूट टाइप क्या है, एडिबल पार्ट है क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है। तो कल भी मैंने इस पे बात किया था कि क्या क्या चीज़ें आपको लिए क्या हो सकती है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कल हमने बात किया था क्या कि क्रोमोसोम उतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए एडिबल पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फ्रूट टाइप इम्पोर्टेंट है, ओरिजिन इम्पोर्टेंट है, फैमिली क्या है, उसके बाद बॉटनिकल नाम यानी कि वानस्पतिक नाम क्या है, ठीक है, उसके बाद उसका परिवार क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, फल किस प्रकार का है, उसका खाने वाला भाग कौन सा है, ये सब क्या है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, आंवला से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आंवला का जो कुल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बॉटनिकल नेम तो एम्बलिका ऑफेसिनेलिस, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फिलेंथस एम्बलिका। तो इसका बॉटनिकल नाम क्या हो जाएगा, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस या फिलेंथस एम्बलिका। उसके बाद इसका कुल क्या हो जाएगा, यूफोरबियेसी। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन सा हमको याद रखना है, जो हम बताएंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वही याद रखना है, ठीक है। बाकी बात और भी बहुत सारा चीज़ें इसमें दी हुई है जो आपको अभी याद नहीं रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बता देंगे, वही सिर्फ क्या करेंगे आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ओरिजिन आप लोग रखेंगे इंडो चाइना या इंडिया, भी कभी कभी ऑप्शन में रहेगा इंडो चाइना, तो इंडो चाइना मारेंगे, नहीं तो हम लोग इसमें टिक करेंगे, इंडिया में टिक करेंगे। उसके बाद फ्रूट इसका क्या होता है, तो फ्रूट प्रकार इसका क्या होता है, ड्रूपेशियस होता है, लेकिन किस प्रकार का, ड्रूपेशियस भी मॉडिफाइड होता है, ड्रूपेशियस फ्रूट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब खाएंगे तो आप इसमें क्या देखेंगे, सीड रहेगा, ठीक है, नीचे में क्या होगा, सीड रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रूप वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या एडिबल पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। देखिए मीजोकार्प और इंडोकार्प क्या होता है, फ्रूट के कितने भाग होते हैं, मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, ठीक है। एक दो सबसे जो बाहर वाला रेयर होता है, जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, तो छिलका को हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्जोकार्प। छिलका को क्या बोलते हैं, एक्जोकार्प, मतलब कि बाह्य फल भित्ति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मीजोकार्प। मीजोकार्प में आपका क्या रहेगा, जितने भी सारे फलेसी रहेंगे, जैसे कि आपका ये मैंगो हो गया, तो मैंगो में जो गुदा वाला जिसको आप खाते हैं, तो वो जो गुदा का जो भाग होता है वो क्या होता है आपका, मीजोकार्प, वो आपका क्या होता है, मीजोकार्प, ठीक है। और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, इंडोकार्प, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इंडोकार्प। और लास्ट में जो बच गया उसका सबसे अंदर में क्या होता है, वो होता है तो हमारा सीड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीज बोलते हैं, ठीक है। तो वो सबसे लास्ट में क्या होता है, सीड होता है। तो फ्रूट के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, सबसे बाहर वाला हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोकार्प, उसके बाद क्या बोलते हैं, बीच वाला को बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंतिम वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोकार्प बोलते हैं। जैसे कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो खाए जाने वाला भाग है वो क्या होने, मीजोकार्प और इंडोकार्प, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे की आपका एटीमोया है, तो एटीमोया जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ से ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एक है इंडियन स्ट्रॉबेरी, इंडियन वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, और दूसरा है आपका स्ट्रॉबेरी। तो इंडियन स्ट्रॉबेरी का वनस्पति नाम क्या है,
फ्रिगारिया वस्का, और इसका कुल कौन सा है? रोजेसी। आप कुल याद रखेंगे क्या है? रोजेसी है, ठीक है। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडिया है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? इंडिया। और उसके बाद खाने वाला भाग क्या है? इटारियो ऑफ एकिन्स। हम बताए थे, बात किए थे इटारियो ऑफ बेरीज, ठीक है। तो एटीमोया हो और कस्टर्ड एप्पल है, तो इसका जो खाने वाला भाग होता है क्या होता है? इटारियो ऑफ बेरीज। डू मतलब सेम, मतलब कि इटारियो ऑफ बेरीज यहाँ है तो इटारियो ऑफ बेरीज क्या होगा? यहाँ पर भी होगा। तो कस्टर्ड एप्पल का खाने वाला भाग क्या होता है? इटारियो ऑफ बेरीज। और एटीमोया का खाने वाला भाग कौन होता है? इसका भी खाने वाला भाग दोनों का क्या होता है? इटारियो बेरीज। और देखिए इसका फैमिली भी जो है क्या है? समान है। इसका फैमिली जो होता है एनोनियसी। कस्टर्ड एप्पल का फैमिली थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्या होता है? एनोनियसी। एटीमोया से भी आपको याद रह जाए कि एटीमोया का कौन सा फैमिली है, तो एनोनियसी। और कस्टर्ड एप्पल का भी फैमिली कौन है? एनोनियसी, ठीक है। और सबसे एक जो महत्वपूर्ण बात है आपका एटीमोया में, ये क्या है? एटीमोया जो आपका मैनमेड हाइब्रिड है। एटीमोया क्या है? मैनमेड हाइब्रिड है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है कि एटीमोया क्या है? मैनमेड हाइब्रिड है, ठीक है। तो आपसे पूछ हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में रहे कि बताएं कि निम्नलिखित से कौन मैनमेड हाइब्रिड? मैनमेड हाइब्रिड है, मतलब मैनमेड हाइब्रिड का मतलब होता है कि उसे उसको नेचर ने नहीं दिया, प्रकृति ने नहीं दिया, उसको किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया? मानव ने, इसीलिए इसको बोलते हैं मैनमेड हाइब्रिड। तो मैनमेड हाइब्रिड में आप लोग कभी पढ़ेंगे कि ट्रिटिकेल, तो ट्रिटिकेल भी क्या है? एक प्रकार का मैनमेड हाइब्रिड है, ठीक है। ट्रिटिकेल भी क्या है? मैनमेड हाइब्रिड है। तब इसको आप याद रखेंगे कि हमारा जो एटीमोया जो है कैसा है? मैनमेड हाइब्रिड, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो कस्टर्ड एप्पल हो गया, ठीक है, कि इटारियो बेरीज खाते हैं। सब में देखिए लिखा है कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें किसने बनाया? इसको आदमी ने बनाया। उसके बाद एक फसल और भी आप लोग पढ़ेंगे, ट्रिटिकेल, ठीक है, जिसको राई और बीट के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिटिकेल। तो वो भी क्या है? मैनमेड हाइब्रिड है, ठीक है। उसके बाद कस्टर्ड एप्पल का भी सेम है। उसके बाद आते हैं इंडियन वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। इसका कुल जो है कौन सा? कुल याद रखिए, कुल कौन सा है? रोजेसी। रोज का भी कौन सा कुल है? रोजेसी। उसका बाद उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? इंडिया। उसके बाद ये आप याद रखेंगे, खाने वाला भाग इटारियो ऑफ एकिन्स। खाने वाला भाग क्या है? नहीं, फ्रूट टाइप, फल का प्रकार कौन सा है? तो इटारियो ऑफ एकिन्स। और खाते हैं हम लोग क्या? फ्लैसी थैलेमस। क्या खाते हैं? फ्लैसी थैलेमस खाते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का वनस्पतिक नाम क्या है? फ्रेगारिया अनानासा। लेकिन यहाँ आप याद रखेंगे फ्रेगेरिया क्रॉस अनानासा, इसके बीच में क्या है? फ्रेगेरिया क्रॉस अनानासा, ठीक है। फ्रेगेरिया अनानासा डायरेक्ट नहीं है, इसमें आप ऑलमोंड में देख सकते हैं, जैसे प्रूमनस एमेगाडिलस, प्रूनस अमेरिकाना, प्रूनस डोमेस्टिका, लेकिन इसमें क्या है? फ्रेगारिया है, उसके बाद क्रॉस है। तो ये जब भी आप वनस्पतिक नाम इसका लिखेंगे तो फ्रेगेरिया क्रॉस अनानासा देंगे, ठीक है। और ये भी याद रखें कि वनस्पतिक नाम लिखते समय, बॉटनिकल नाम आप लिखते समय अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है? इटैलिक किया हुआ है, ठीक है। आप इसके पहले देखिए स्ट्रॉबेरी सीधा सीधा लिखा हुआ, लेकिन इसका जो फ्रेगेरिया अनानास थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ, ठीक है। लेकिन ये कॉपी पर तो हम टेढ़ा करके नहीं दिखा सकते, इसलिए क्या करते हैं? वनस्पति के लिखते समय हम अंडरलाइन करते हैं। यदि आप अंडरलाइन नहीं करेंगे तो जहाँ एक मार्क्स मिलना चाहिए वहाँ आपको क्या मिलेगा? आधा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी का फैमिली भी रोजेसी है, इसका भी फैमिली रोजेसी है, इसका भी फैमिली, इसका भी फैमिली, इसका भी फैमिली, सारा का फैमिली जो क्या है? एक ही है, वो रोजेसी है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी क्या है? आपका एक मैनमेड हाइब्रिड है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या है? एक आपका मैनमेड हाइब्रिड है, इसको भी आप याद रखेंगे क्या? स्ट्रॉबेरी जो है क्या है? मैनमेड हाइब्रिड है, ठीक है। उसके बाद इसका भी खाने वाला भाग कौन सा है? तो इटारियो ऑफ एकिन्स है। इसका भाग खाने वाला कौन सा? इटारियो ऑफ एकिन्स है। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी हो, खाने वाला भाग क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो गुणसूत्र की संख्या जो होगी क्या होगी? बढ़ जाएगी। गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। गुणसूत्र की संख्या इसमें कितना है? 2n = 8। ये क्या है? ऑक्टापोलाइड है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये कैसा है? ऑक्टापोलाइड है। 2x = 8, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टा, ठीक है। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टा। तो ये जो स्ट्रॉबेरी है कैसा है? ऑक्टापोलाइड है। हो जाएगा कि कल्टिवेटेड स्ट्रॉबेरी कैसा है? तो ऑक्टापोलाइड है, ठीक है। तो ये सारा बात जो है आप याद रखेंगे, ठीक है, ये सारा चीज़ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब आगे। आगे में क्या है आपका? ऑलमंड है, ठीक है। आगे में क्या है आपका? ऑलमंड। तो ऑलमंड का वनस्पति का नाम क्या है? प्रूनस एमेगाडिलस।
क्या है, प्रूनस एमिग्डलस। उसके बाद यहाँ इसका उत्पत्ति स्थान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है कि उत्पत्ति स्थान लोमड़ का कहाँ है, तो इसका पर्सिया अफगानिस्तान है। ठीक है, ये फल किस प्रकार का है, ड्रूप है। हाँ, उस पर ऑलमंड, ऑलमंड किस प्रकार का फल है, तो ड्रूप है, ये नट नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये ऑलमंड क्या है, ये नट नहीं है, ये क्या है, ड्रूप है। ठीक है, ये आप याद रखें कि ऑलमंड जो है क्या है, ड्रूप है, ये नट नहीं है। और इसका जो खाने वाला भाग क्या होता है, कोटलीडोन्स, कोटलीडोन्स कर्नल, कर्नल का मतलब होता है बीज। इसका खाने वाला भाग क्या होता है, बीज, बीज को जिसको हम खाते हैं उसी को हम लोग सीड भी बोलते हैं या कोटलीडोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका खाने वाला भाग कौन सा हो गया, बीज हो गया, फल कौन सा प्रकार का है, तो ड्रूप है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एप्रिकोट पे। सारा का जितना भी आप यहाँ से देख रहे हैं, सारा का फैमिली क्या है, रोजेसी है। चेरी का भी फैमिली कौन सा है, रोजेसी है। तो एक नज़र थोड़ा सा इस पे डाल देते हैं, लेकिन जो जो आप जो जिसमें जिसमें हम टिक करेंगे वही आप लोग ज़्यादा करके याद रखें। ऐसे याद रखना चाहते तो आप सारा का सारा याद रखें, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, आपके भविष्य में भी काम देगा। लेकिन कम से कम जो बहुत ज़्यादा जिनको बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा, तो वो वही चीज़ याद करेंगे जो हम बोलेंगे। ठीक है, तो एप्रिकोट का क्या है, प्रूनस अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, प्रूनस अमेरिका। यूरोपियन प्लम का क्या हो गया, प्रूनस डोमेस्टिका। जापानीज प्लम का क्या है, प्रूनस सेलिसिना। पीच का क्या है, प्रूनस पर्सिका। सॉर चेरी का क्या है, प्रूनस सेरासस। उसके बाद प्रूनस एवियम। स्वीट चेरी का क्या हो गया, प्रूनस एवियम। सब सारा का सारा फैमिली जो होगा क्या, जितना भी प्रूनस वाला है, ठीक है, प्रूनस की बात कुछ भी आ जाए तो सारा का सारा जो क्या होगा, उसका फैमिली रोजेसी होगा। ठीक है, उसके बाद एप्रिकोट का उत्पत्ति स्थान चाइना। जापानीज प्लम का देखिए, जापानीज प्लम, प्लम क्या है, जापानीज, नाम क्या है, जापान जैसा लग रहा है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, चाइना है। ठीक है, सारा का जो है खाने, सारा का जो कैसा है, ड्रूप है। सारा कैसा फ्रूट है, ड्रूप है। ठीक, उसके बाद खाने वाला भाग मीजोकार्प, इंडोकार्प, एपिकार्प, उसके बाद मीजोकार्प। ठीक है, एपिकार्प क्या होता है कि जब तीनों को मिला देते हैं तो हम लोग बोलते हमें लगता है कि चित्र को जो है दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि चित्र के माध्यम से जो चीज़ें समझ में आती है वैसे बोलने से थोड़ा बहुत कम समझ में आता है, तो और समझाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। समझाना भी क्या होता है कि जब चित्र रहता है, फिगर रहता है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि जितना जो जिस जिसका चित्र दिखाया जा सकता है, जिस और जिसे चित्र देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उस क्या कह उसको अब हम क्या करेंगे कि चित्र आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक्सोकार्प को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपिकार्प बोलते हैं। एपिकार्प और एक्सोकार्प का क्या हुआ, सेम हुआ। यहाँ वाला भाग जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकार्प बोलते हैं। यहाँ वाला बीज वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोकार्प बोलते हैं। और सीड के जो ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे कि आप आम खाते हैं, तो आम खाते हैं तो उसका गुद्दा खाते हैं, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा आठी में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा लगा हुआ रहता है वो आप नहीं खाते, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं। और बीच में जो ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, सीड है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको जो पूरी तरीके से समझ में आ गया कि बाह्य फल भित्ति इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति, और इसको बोलते हैं अंतः फल भित्ति। इसके कितना पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, आपका सीड होते हैं। एक तो हो गया आपका एपिकार्प या एक्सोकार्प, उसके बाद मीजोकार्प, उसके बाद इंडोकार्प। ठीक है, तो उसके बाद है आपका यहाँ पे चला एपिकार्प मीजोकार्प को बता दी। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सारा थोड़ा सा देख लिए स्वीट चेरी। उसके बाद है पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट का आपको याद रखना पड़ेगा, पोमीग्रेनेट क्या है, याद रखने वाला है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट क्या बोलते हैं, अनार। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, पुनिका ग्रेनेटम। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, पुनिका ग्रेनेटम। उसके फैमिली क्या होता है, पुनिकेसी। फैमिली क्या है, पुनिकेसी। इसका उत्पत्ति स्थान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, है तो ईरान है। पोमीग्रेनेट का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, ईरान है। उसके बाद खाने वाला भाग पे चर्चा हम लोग कल भी किए थे कि इसका जो खाने वाला भाग है वो कौन सा है, नहीं, फ्रूट का प्रकार कौन सा है, तो बेलोस्टा है। उसके बाद खाते क्या है, जूसी सीड कोट, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। लेकिन एरिल मुख्य रूप से किस में आता है, लीची में आता है। वो एरिल मुख्य रूप से किस में आता है, लीची में आता है। एरिल नहीं रहेगा तो हम लोग क्या टिक करेंगे,
जूसी सीड कोट, रिलीन रहेगा तो हम लोग क्या टिक करेंगे, जूसी सीड कोट, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे बेल पे, बेल आप लोग देखे होंगे, तो बेल का जो वनस्पतिक नाम क्या होता है, एगेल मार्मलोस, बेल का वनस्पतिक नाम क्या होता है, एगेल मार्मलोस, ठीक है। उसके बाद इसका फैमिली क्या होता है, रूटेसी, और जितने भी सिट्रस हैं, सिट्रस का नाम का मतलब नींबू वर्गीय फल, सारा का जितना भी सबका परिवार क्या होगा, रूटेसी होगा, सबका फैमिली क्या होगा, रूटेसी होगा। उसका बेल का उत्पत्ति स्थान जो कहाँ है, इंडिया है, कहाँ है, इंडिया है। उसके बाद फल का प्रकार क्या है इसका, एम्फीसारिका, एम्फीसारिका। उसके बाद बताए थे वुड एप्पल, बेल और वुड एप्पल सारा का सारा क्या होता है, अधिकतर चीज़ें सामान ही होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सकुलेंट प्लेसेंटा, इसको इसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, तो सकुलेंट प्लेसेंटा, ठीक है। तो बेल का आप लोग याद रखेंगे और पोमिग्रेनेट का भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा ग्रेप फ्रूट, ठीक है, आगे क्या है हमारा ग्रेप फ्रूट। तो ग्रेप फ्रूट में क्या होगा, जितने भी सिट्रस फल के सबका देखिए कि क्या है, रूटेसी 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 रूटेसी, सब क्या है, सबका फैमिली कौन सा है, रूटेसी ही है। जैसे यहाँ बोलते हैं वुड एप्पल, वुड एप्पल के क्या है, इसका भी क्या है, रूटेसी ही है। उसके बाद इसका भी उत्पत्ति स्थान इंडिया है, खाने वाला जो फल का जो प्रकार है, एम्फीसारिका सकुलेंट प्लेसेंटा, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ आपको मिल जाएगी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जितने सारे भी हैं, इन सारे का आप सब देख सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जितना भी रूटेसी कुल का क्रोमोसोम है, रूटेसी कुल में जितने भी फल आते हैं सारे के साले क्या हैं कि सेम क्रोमोसोम नंबर कितना है, 18 है। क्रोमोसोम नंबर सारे का आप कितना देख सकते हैं, 18। यहाँ भी देखिए स्वीट ऑरेंज में भी क्या है, 18 है, वुड एप्पल का भी 18 है। तो सारा का सारा यहाँ क्या है, क्रोमोसोम नंबर जो है 18 है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं आगे। उसके बाद आप पपाया, पपाया तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, पपाया मस्त याद करेंगे कि पपाया जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। तो पपाया का इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे, ठीक है। तो पपाया में आपको इसको याद रखना क्या कि पपाया का वनस्पति के नाम, पपाया का वनस्पति नाम क्या है, कैरिका पपाया, पपाया का वनस्पति के नाम क्या है, कैरिका पपाया। उसके बाद इसका फैमिली, इसका फैमिली कौन सा है, कैरिकेसी, इसका फैमिली क्या है, कैरिकेसी। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान, इसमें जितना भी बता रहे हैं सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, उत्पत्ति स्थान क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका। उसके बाद इस किस प्रकार का फल है, तो बेरी है, किस प्रकार का है, बेरी है। उसके बाद खाने वाला भाग क्या है, मीजोकार्प है, जैसे कि आप ऊपर में छत रहता है तो वो भी क्या करते हैं, पपाया का जो पपीता का जो छत होता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद नीचे जो सीड निकलता है, बीज निकलता है, उसको भी क्या करते हैं आप, हटा देते हैं। तो जो पपाया का खाने वाला भाग कौन सा होता जाता है, मध्य फल भीति, और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 2n = 18। मुख्य रूप से आप रखेंगे कि 2n = कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। उसके बाद फालसा, फालसा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है फालसा, ठीक है। फालसा एक ऐसा फैमिली है जो क्या है कि फालसा ही सिर्फ एक ऐसा क्रॉप है जो कौन से फैमिली से है, टिलिएसी, जो कौन सा फैमिली से है, टिलिएसी। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि टिलिएसी का एक और कौन सा पौधा है जो हमको जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो टिलिएसी परिवार का कोई हमको क्या करेंगे, आप कमेंट में लिख करके देंगे कि कौन सा टिलिएसी का एक पौधा और है, और भी पौधा है, बहुत पौधा है, लेकिन एक पौधा कम से कम आप जो है लिख करके भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि इसका ये वनस्पति के नाम क्या होता है, ग्रेविया सब इक्वेनेलिस, ठीक है, ग्रेविया सब इक्वेनेलिस, LIS, ठीक है, ग्रेविया सब इक्वेनेलिस होता है, ठीक है। तो फालसा का कौन सा क्रॉप है, फालसा का जो फल का प्रकार है वो कौन सा है, ड्रूप है। फलसा का फल का प्रकार क्या है, ड्रूप है। एपिकार्प और मीजोकार्प खाते हैं। मुख्य रूप से जो सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण जो आपका क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनता है आपका, कि टिलिएसी इसका परिवार कौन सा है, फलसा का परिवार कौन सा है, तो टिलिएसी है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद पैशन फ्रूट पैसिफ्लोरा इडुली पैसिफ्लोरेसी, इसका फैमिली कौन सा है, पैसिफ्लोरेसी, ब्राजील। उसके बाद इसका भी फल का प्रकार कौन सा है, बेरी है, खाने वाला भाग भी मीजोकार्प है। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको याद रख सकते हैं, लेकिन जिसमें टिक करें वो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है, उसके बाद क्या आता है, मैंगो, मैंगो का इसका भी याद रखेंगे, ठीक है। मैंगो भी क्या है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मैंगो, ठीक है। तो मैंगो का जो वनस्पतिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का वनस्पतिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। इसका भी फैमिली सबसे महत्वपूर्ण है, इसका फैमिली सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका फैमिली आता है कि इसका फैमिली बताइए कौन सा है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग दो लेक्चर करवा चुके हैं लेकिन अभी तक किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, लेकिन आपको क्या देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट भी बनाएंगे, ठीक है। कि किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि चार को ऑप्शन रखेंगे, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कि बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग क्या होगा, जब इस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए एक क्वेश्चन बना करके भी लाएंगे, तो उससे आपका क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के जो है बीयू सवर के क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पेपर को भी देखेंगे और उस क्वेश्चन पेपर को आपसे करवाएंगे भी, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और किस पैटर्न पर आता है, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग करेंगे कि कितना फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, खाली स्थान को भरने वाला रहता है, कितना ट्रू फॉल्स गलत और सही करने वाला रहता है, कितना जो है चार ऑप्शन वाला रहता है, तो इन सब चीज़ों को कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, कितना 5 नंबर मार्क्स का आता है, कितना 2 मार्क्स का आता है, ये सब बातें हम लोग करेंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, ठीक है। तो इसका जो है इंडो बर्मा, इसका क्या है इंडो बर्मा, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंडो बर्मा, और ये किस प्रकार का फल है, तो ये ड्रूप फल है, ठीक है। खाने वाला भाग मीजोकार्प भी आप लोग दिखाए थे, और ये क्या है टेट्रापोलाइड है। चार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं टेट्रा, तो ये कौन सा, ये इसका प्लाइडी लेवल, इसका प्लाइडी स्तर क्या है, तो टेट्रापोलाइड है, और ट्विन बराबर कितना होता है 40। इसका तो आप गुणसूत्र भी याद रखेंगे, जिस प्रकार स्ट्रॉबेरी में बताए थे कितना होता है, वो ऑक्टापोलाइड है, ठीक है। उसका गुणसूत्र क्या होता है, ट्विन बराबर 56, ठीक है। तो याद रखेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे आप, इसका भी गुणसूत्र याद रखेंगे। उसके बाद बनाना, बनाना भी आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। बनाना का वनस्पतिक नाम क्या होता है, मूसा पैराडीसी होता है या मूसा इक्यूमिनाटा, ठीक है। दोनों आप याद रख सकते हैं, मूसा इक्यूमिनाटा भी होता है और मूसा पैराडीसी भी होता है, ठीक है। उसका फैमिली कौन सा है, म्यूसेसी। इसका फैमिली कौन सा है, म्यूसेसी। उसके बाद इसका ओरिजिन, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। और ये फल किस प्रकार का है, तो बेरी है, खाने वाला मीजोकार्प और इंडोकार्प, क्योंकि एपिकार्प जो होता है या जो एक्सोकार्प होता है उसको क्या करते हैं काट करके हटा देते हैं, ठीक है। और उसका 2n बराबर कितना होता है, 33 होता है। 2n बराबर कितना होता है, 33 होता है। और ये क्या है, ट्रिपोलाइड है, ट्रिपोलाइड। इसको अभी इसको भी याद रखेंगे कि ये कैसा है, ट्रिपोलाइड है। ट्रिपोलाइड के, ट्रिपोलाइड होने के कारण ही क्या होता है, ये सीडलेस बनाना बनता है, ठीक है। ट्रिपोलाइड होने के कारण कैसा बनता है, सीडलेस बनाना बनता है, ठीक है। तो इसका सीडलेस होने का क्या कारण है, ट्रिपोलाइड, ट्रिपोलाइड होना, ठीक है। उसके बाद गुआवा, इसको बोलते हैं अमरूद। ये भी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वनस्पति का नाम होता है सीडियम सिल्फ्यूगा। देखिए किसी का भी वनस्पति का नाम होगा तो क्या होगा, वो दो चीज़ से मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो एक तो जैसे कि मूसा है, एक इक्यूमिनाटा है, मैंजीफेरा है, फिर इंडिका है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, सीडियम लिखा है, लेकिन पूरा नाम इसे क्या होता है, सीडियम गुआ जावा होता है, ठीक है। पूरा नाम इसे क्या होता है, सीडियम गुआ जावा होता है, ठीक। उसके बाद इसका जो कुल है मिरिटेशी, इसका भी फैमिली आप लोग याद रखेंगे। इसका फैमिली क्या रखेंगे, गुआवा का फैमिली आप लोग याद रखेंगे, मिरिटेशी होता है, ठीक है। उसका बाद इसका है पेरू, पेरू या ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका भी फर्का प्रकार क्या होता है, बेरी होता है। इसका खाने वाला भाग क्या होता है, थैलेमस। इसका खाने वाला भाग होता है थैलेमस या पेरी, थैलेमस एंड पेरिकार, ठीक है, थैलेमस एंड पेरिकार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुआजावा, ठीक है, यहाँ पे आपका लिए लिखा हुआ है गुआजावा, और यहाँ पे खाने वाला भाग भी लिखा हुआ है कि इसका खाने वाला भाग जो कौन सा होता है, तो सीडी उधर क्या हो गया आपका, सीडियम गुआजावा, और सीडियम गुआजावा और ट्रॉपिकल अमेरिका पेरू, और इसका क्या होता है खाने वाला भाग, मीजोकार्प एंड पेरिकार। और 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 22। 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 22, आप याद रखेंगे, 33 नहीं, 2n बराबर कितना, 22। उसके बाद एक करौंदा आपसे उतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो करौंदा का यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखें, नहीं तो उतना भी खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। करौंदा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंडिया है। उसका बाद इसका फैमिली कौन सा है, एपोसाइनेसी है, ठीक है। उसके बाद इसमें कैरिका कैरेंडस, करौंदा का नाम वनस्पति के नाम क्या होगा, कैरिका कैरिसा कैरेंडस,
उसके बाद आप रखेंगे रामबुटान, ठीक है। रामबुटान हम लोग बताए थे किस प्रकार का फल है, तो ये नट है, ठीक है। रामबुटान किस प्रकार का फल है, तो ये नट है, ठीक है। उसके बाद इसका फैमिली सपिनिडिएशी, जो आपको लीची में भी पढ़ेंगे, लीची का भी फैमिली क्या होता है, सपिनिडिएशी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका फैमिली क्या है, नेफिलियम लैपासियम, नेफिलियम लैपासियम। इसका आप ये रखें ये किस प्रकार का नट का है, उसका फैमिली याद कर लें क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, मलाया रीजन, ठीक है। उसके बाद इसका खाने वाला भाग, इसका खाने वाला भाग कौन सा, एरिल, जो आप लीची में पढ़ते हैं खाने वाला भाग लीची का क्या है, एरिल है। तो रामबुटान का भी कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, एरिल खाते हैं, ठीक है। रामबुटान आप सर्च करके सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर क्या होगा कि रामबुटान मिल जाएगा, तब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे हाँ ये लीची के जैसा ही होता है, ठीक है। उसको लेकिन थोड़ा सा हेयर जो होते हैं हेयर टाइप का होता है इसमें बना हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे चलें आगे है कि एवोकाडो है। एवोकाडो में थोड़ा सा फैमिली इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवोकाडो का फैमिली कौन सा है, तो लॉरेसी। एवोकाडो का फैमिली कौन सा है, लॉरेसी, ठीक। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, पर्सिया अमेरिकाना। तो इसका आप फैमिली याद रखें कौन सा है, फैमिली इसका जो है आपका लॉरेसी है, फैमिली कौन सा है, लॉरेसी, ठीक। इसका फैमिली कौन सा है, इसका फैमिली आप लोग जो है याद रखेंगे इसका फैमिली कौन सा है, लॉरेसी है, ठीक। उसके बाद आते हैं आगे, तो आगे हम आपका कैरम्बोला, कैरम्बोला का उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चाइनीज भी। उसके बाद आप लोग बैर पढ़ेंगे, तो बैर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। बैर का कुल जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि बैर कौन का कुल से, तो रेमेंसी। बैर कौन सा कुल का है, तो रेमेंसी। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, जिजीफस। एक होता है चाइनीज जुजबे, ठीक है, और एक होता है आप चाइनीज जुजबे जिसका उत्पत्ति स्थान क्या है, चाइना। और ये तो आप जान लेंगे ड्रूप है, अष्टी वाला फल है तो ड्रूप ही होगा, ठीक है। उसके बाद होता है इंडियन बेर, ठीक है। इंडियन जुजबे मतलब क्या होता है, बेर होता है। एक होता है चाइनीज बेर, एक होता है इंडियन बेर। तो इंडियन बन का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, इंडिया होगा, ठीक है। इसका वनस्पति चाइनीज का होता है जिजीफस जुजबे, और इसका होता है जिजीफस मॉरिटियाना। इसका जो वनस्पति नाम क्या होता है, मॉरिटियाना। इसे क्या होता है, इंडियन इंडियन बेर का क्या होता है, मॉरिटियाना। और चाइनीज बेर का क्या होता है, जिजीफस जुजबे, ठीक हो। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद टैमरिन, टैमरिन उतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें टैमरिन में आप इसका ये याद रख सकते हैं कि इसका फल का प्रकार कौन होता है, लोमेंटम। इसका फल का प्रकार क्या है, लोमेंटम, लोमेंटम। इसका फल का प्रकार क्या हो जाएगा, लोमेंटम। उसके बाद है फिग, फिग का आपका इम्पोर्टेंट क्या होता है, फिग का ये जो वनस्पति का नाम क्या है, फैमिली फिग का क्या है, फाइकस कैरिका, फाइकस कैरिका। उसके बाद इसका फैमिली कौन सा है, मोरेसी। इसका फैमिली कौन सा है, फिग का मोरेसी। उसके बाद है आपका इसका जो फल का प्रकार है, ये आपके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका फल का प्रकार कौन सा है, साइकोनस। फल का प्रकार क्या है इसका, साइकोनस। उसके बाद इसका खाने वाला भाग कौन सा है, तो फलेसी रिसेप्टिकल। इसका खाने वाला क्या भाग, कौन सा भाग है, फलेसी रिसेप्टिकल। ये आप क्या करेंगे, इसका भी फीक का क्या करेंगे आप, सारा चीज़ इतना सारा चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आप लोग क्लास ट्वेल्थ में जब पढ़ेंगे तो जो भी एग्रीकल्चर वाले होंगे उनको पता ही है कि जैकफ्रूट का जो वनस्पति का नाम क्या होता है, ऑक्टोकार्पस हेटरोफाइलस होता है, ठीक है। और इसका भी फैमिली कौन सा है, मोरेसी। इसका भी जैकफ्रूट का भी कौन सा फैमिली है, मोरेसी। उसके बाद खाने वाला प्रकार, खाने फ्रूट का प्रकार जो है यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसका फल का प्रकार जो है जैकफ्रूट का कौन सा है, सोरोसिस। सोरोसिस का फल का फल प्रकार कौन सा है, सोरोसिस, ठीक है। उसके बाद खाने वाला क्या है, ब्रैकेट है, पेरियंथ है, और सीड्स। सीड भी हम लोग क्या करते हैं, आग में पका करके या फ्राई करके या रोस्टेड करके क्या करते हैं, भूंज करके खा जाते हैं। इसका खाने वाला मुख्य रूप से आपका पूछा जाएगा कि जैकफ्रूट का खाने वाला भाग कौन सा है, तो ब्रैक्स या पेरियंथ, क्या कहते हैं, ब्रैक्स या पेरियंथ। उसके बाद एक चीज़ हम लोग और देखे थे कि पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में भी क्या करते हैं, ब्रैक्स एंड पेरियंथ खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया लीची। लीची में सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, लीची में आपको याद रखना है, ठीक है। तो लीची का जो वनस्पति का नाम हो गया लीची चाइनेंसिस है। उसके बाद सपिनिडिएशी का फैमिली हो गया। उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, लीची का चाइना है। किस प्रकार का फल, इसका फल प्रकार क्या है, तो नट है। इसका खाने वाला भाग कौन सा है, तो
एरिले क्रोमोसोम उसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो अब चल तो ये परसिमोन उतना आपके लिए नहीं है, फिर भी आप लोग याद रख सकते हैं तो याद रखें। उसके बाद है कोकोनट, कोकोनट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। कोकोनट क्या होता है आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोकोनट का वनस्पति का नाम क्या है, कोकोस नोसीफेरा। उसके बाद फैमिली क्या है, एरेसी। ठीक है, एरेकेसी फैमिली क्या है, एरेकेसी फैमिली क्या हो गया आपका, एरेकेसी। उसके बाद जो है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, साउथ ईस्ट एशिया आप या फिर इंडिया आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया या इंडिया। उसके बाद फल का प्रकार, कोकोनट में बताया था कि कोकोनट क्या है, कोकोनट नट नहीं है। उसके बाद कोकोनट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कहीं से क्वेश्चन बनता है ये कि उसका खाने वाला भाग कौन सा होता है, क्या कोकोनट का खाने वाला भाग कौन सा होता है। तो कोकोनट का खाने खाया जाने वाला भाग आपका कौन है, इंडोस्पर्म। कोकोनट का खाने वाला भाग कौन सा, इंडोस्पर्म। कोकोनट का खाने वाला भाग कौन सा, इंडोस्पर्म। उसके बाद है जाल वालनट है, वालनट का क्या होता है, जगलेंस रेजिया। ये भी आपका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोटलियन, इसका खाने वाला भाग कौन सा है, कोटलियन है, ये थोड़ा सा देखें। उसके बाद है एप्पल, एप्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एप्पल में जितना भी बताएंगे सबको क्या रखना है, आपको याद रखना है एप्पल क्या होता है, माइलस डोमेस्टिका। इसमें जिस प्रकार का बताए थे फ्रैगेरिया अनानासा, उसी प्रकार का आपको कहाँ बताए थे, स्ट्रॉबेरी में फ्रैगेरिया अनानासा, फ्रैगेरिया वस्का। तो उसी प्रकार का क्या, एप्पल में, एप्पल में क्या है कि माइलस और क्रॉस डोमेस्टिका, माइलस क्रॉस डोमेस्टिका। यहाँ पर क्या है, क्रॉस है, माइलस क्रॉस डोमेस्टिका, माइलस डोमेस्टिका सीधा सीधी नहीं है। तो जब भी आप नाम लिखेंगे एप्पल का ध्यान रखेंगे कि माइलस क्रॉस डोमेस्टिका। उसके बाद इसका फैमिली कौन सा है, रोजेसी है। उसका उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर। उसके बाद पोम, इसका फल का प्रकार कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएं कि और जो है किस किस प्रकार का जो फल होता है जिसको हम पोम पोम बोलते हैं। उसके बाद इसका फल खाने वाला भाग क्या है, फ्लैसी थैलमस। ठीक है, उसके बाद लोकार्ट क्वींस, उसके लिए आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है देखिए यहीं पर हम लोग बता देते हैं। ठीक है, एक तो आपको बताए थे क्या एप्पल का क्या कहते हैं, एप्पल फॉल्स फ्रूट होता है। इसका हम पोम, इसका फल का प्रकार कैसा होता है, पोम होता है। उसके बाद लोकार्ट का भी क्या होता है, पोम होता है। उसके बाद क्वींस का भी क्या होता है, पोम होता है। ठीक है, एक का और भी क्या होता है कि पोम होता है, एक हम लोग क्या कहते हैं और बताए थे आप, वो एक जो बच गया उसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद है एप्पल का, ये सारा एप्पल का तो हो गया। उसके बाद है आपका डेट पाम, डेट पाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेट पाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका जो वनस्पति का नाम क्या है, फोनिक्स डिक्टाइलोफेरा, फोनिक्स डिक्टाइलोफेरा। इसका भी जो आप वहाँ पढ़े थे कोकोनट एरेकेसी था, इसका भी क्या है, फैमिली क्या है, एरेकेसी है। इसका डेट पाम का फल का प्रकार क्या है, इसमें बीज पाया जाता है लेकिन इसका फल का प्रकार क्या है, बेरी है। इसका खाया जाने वाला भाग क्या है, पेरिकार्प। इसमें किसी प्रकार का हम छिलका निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, तो इसका क्या पेरिकार्प, खाया जाने वाला क्या होगा भाग, पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प एंड मेसोकार्प। ठीक, पेरिकार्प मेसोकार्प एंड पेरिकार्प मतलब क्या हो गया, पूरा आता है। पेरिकार्प बोले तो क्या होगा कि आपका एक्सोकार्प हो गया, मेसोकार्प और एंडोकार्प। तो इसको कितना खाने के जाने वाला, पेरिकार्प मेसोकार्प एंडोकार्प तीनों भाग खाते हैं। ठीक है, तो पेरिकार्प क्या होता है, एक्सोकार्प मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। पिकनट भी उसका आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रेप्स। ग्रेप्स का भी सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिक्स ग्रेप्स का जो है आपका ये आप उत्पत्ति स्थान याद रखें, ग्रेप्स का उत्पत्ति स्थान जो है क्या है, ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, ब्लैक सी या कैस्पियन सी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्लैक सी से लेकर के कैस्पियन सी तक। ठीक है, उसके बाद इसका फैमिली भी इम्पोर्टेंट, इसका फैमिली क्या है, विटेसी। और इसका वनस्पति का नाम क्या है, विटिस बेनिफेरा। आप इसी से याद रख सकते हैं, इसका वनस्पति के नाम से क्या है, इसका वनस्पति का नाम है विटिस बेनिफेरा और इसका फैमिली क्या है, विटेसी। और उसके बाद इसका उत्पत्ति स्थान ब्लैक सी टू कैस्पियन सी, इसका फल का प्रकार बेरी और पेरिकार्प, इसका क्या खाते हैं, प्लेसेंटा खाते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका जामुन। ठीक है, क्या है जामुन, जामुन का क्या होता है, जामुन का सीजियम कुमिनी, जामुन का वनस्पति का नाम क्या है, सीजियम कुमिनी। इसको भी आप याद रखेंगे जामुन को। ठीक है, जामुन का क्या है, सीजियम कुमिनी। उसके बाद इसका फैमिली कौन है, मिरिटेसी। मिरिटेसी का एक फैमिली और आपको बताए थे, मिरिटेसी किसमें आता है, तो गुआवा में। गुआवा का फैमिली भी क्या होता है, मिरिटेसी होता है। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इंडिया है। उसके बाद खाने वाला भाग इसका भी क्या है, ड्रूप है। उसके बाद एपिकार्प और मेसोकार्प इसके खाते हैं। ठीक, उसके बाद कैसू, कैसू जिसको हम लोग बोलते हैं काजू, काजू भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका फैमिली क्या है,
इसका फैमिली, इसका फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। इसका फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली से एक हम लोग और भी बताए थे क्या है, मैंगो। मैंगो भी कौन सा फैमिली का है, तो एनाकार्डियेसी का। ठीक है, तो इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। इसका जो उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील या ट्रॉपिकल अमेरिका। इसका फल प्रकार कैसा होता है, नट होता है। उसका खाने वाला भाग जो होता है आपका कोटलीडियंस या फलेसी पेडेंकल खाते हैं। क्या कहते हैं, कोटलीडियंस या फलेसी पेडेंकल खाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ओलाइव। ओलाइव उसके लिए आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर यहाँ पर आता है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आपके लिए आपको सारा ही क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गुणसूत्र को छोड़ करके आपको सारा याद रखना है। ठीक है, तो पाइनएप्पल का क्या है, पाइनएप्पल का आपका अनानास कोमोसस। क्या, अनानास कोमोसस। इसका जो फैमिली है उसका है ब्रोमेलिएशी। उसका उत्पत्ति स्थान हो गया ब्राजील। खाने वाला प्रकार हो गया इसका सोरोसिस। फल का प्रकार इसका हो गया सोरोसिस, और उसका ब्रैकेट और पेरियंथ। इसका खाने वाला, इसका जो खाने वाला भाग हो गया ब्रैकेट और पेरियंथ। ठीक है, ब्रैकेट और पेरियंथ। एक ऊपर में हम चर्चा किए थे किसमें, जैक फ्रूट में। तो जैक फ्रूट में का फल प्रकार भी क्या होता है कि सोरोसिस होता है, उसका भी खाने वाला भाग क्या होता है, ब्रैकेट एंड पेरियंथ होता है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चाइनीज गुजबेरी आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद मलबेरी। मलबेरी में थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मलबेरी का जो गुणसूत्र है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है 308। अभी तक किसी में आप लोगों ने नहीं देखा था कि 308 किस में। ठीक है, तो मलबेरी की आप देखते हैं कि मोरस अल्वा, इसका वनस्पति नाम क्या होता है, मोरस अल्वा होता है। और उस पर रेशम कीट पालन हम लोग किस पे करते हैं, तो मलबेरी प्लांट पे ही करते हैं। उसका फैमिली क्या है, मोरेसी। मोरेसी में एक चीज़ और आपको मोरेसी से रिलेटेड बताए थे कि कौन सा है, तो जैक फ्रूट। जैक फ्रूट आपको का फैमिली क्या है, मोरेसी है। और इसका भी फैमिली क्या है, मोरेसी है। ठीक है, और इसका इसका क्या खाते हैं हम लोग, एग्रीगेट फ्रूट। ये किस प्रकार का है, एग्रीगेट फ्रूट है। ठीक है, सोरोसिस। किस प्रकार का है, सोरोसिस। और इसका क्या खाते हैं, इसका भी हम लोग क्या खा जाते हैं, सारा पट खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसका क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं। ठीक है, जैसे मीजोकार्प भी हम लोग पेरिकार्प तक खा जाते हैं, मीजोकार्प भी खा देते हैं। और मीजोकार्प भी खाते हैं, पेरिकार्प भी खाते हैं, और साथ साथ में क्या खाते हैं, इंडोकार्प। जरी मनी बचता है तो फेंकते हैं। तो ठीक है, तो मुख्य रूप से आप क्या करते हैं, मोरसला मोरेसी। इसका गुणसूत्र सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका फल का प्रकार क्या होता है, फल प्रकार आप इसमें याद रखेंगे कि फल का प्रकार क्या होता है, सोरोसिस होता है। ठीक है, पिस्ताचियो नट उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एनाकार्डियेसी का है, थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। तो एनाकार्डियेसी का कितना फल बताएं, तीन फल बताएं। उसके आम है, उसके बाद आपका कैसू नट है, उसके बाद आपका क्या है, पिस्ताचियो नट है। ये तीनों क्या है, एनाकार्डियेसी फैमिली का है। ठीक, इसके खाने वाला भाग क्या है, कोटलीडियंस। तो अब जो है आपका यहीं तक था, इतना जो है सारा आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, तो अब जो है कल हम लोग बात करेंगे, कल छोटा सा एक लेक्चर होगा, कल छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे लेक्चर 4 का, क्लाइमेटिक जोन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, क्लाइमेटिक जोन ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बात करेंगे। थोड़ा सा ये एक पेज का ही है, उसके बाद थोड़ा सा देर में 10-15 मिनट लगे उसको खत्म करिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे लेक्चर 5 में आएंगे। तो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि आप लोग का यह वीडियो आया हो, अच्छा आया, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग को वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करें। तो आज तक के लिए इतना ही, आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्री गाइडेंस के साथ, और फिर मिलेंगे हम लोग, और आपके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर के आएंगे। और उसके बाद जो यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार जो भी क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग करवाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आप लोग जहाँ भी जिनका भी एडमिशन या सबर में हो या फिर कहीं भी हो, सारा चीज़ पढ़ाया क्या जाएगा, यही चीज़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।